हमारे पूर्ववर्ती पूर्वज रहे हैं, उनकी बनी बनाई परंपराओं को तोड़ देना, अपने कुल पुरोहितों को बदल लेना, अपने परिवार के संस्कार और रीति रिवाजों से मुंह मोड़ लेना, ऐसे कृत्य करना जिनसे हमारे बुजुर्गों की के मान की प्रतिष्ठा की हानि होती हो, ऐसे कार्य करना जिसमें हमारे कुल को बट्टा और कलंक लगता हो, ऐसे कार्य करना जिनसे कोई ये कहे कि ये किस घर का, किस परिवार का, किस माता पिता का बच्चा है, ऐसे कार्य को करते रहने से और भी बहुत सारी ऐसे कामों को करने से जिन कामों में हमारी शुभता ना छिपी हो, पितृऋण, सामान्य रूप से बता रहा हूँ, मोटा मोटी ढंग से पितृऋण की उत्पत्ति होती है। तो फिर उसके उपाय हैं जो मैंने उस दिन उस वाले अंक में आपको बताए थे। ऐसे ही गुरु ऋण का मतलब है। आप पूरी दुनिया में एक कहावत, एक शास्त्र में एक उल्लेख आता है कि आप पूरी दुनिया में, यहां तक कि मंदिर में भी, वैसे तो कभी दिवाली में भी नहीं, कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर भूले भटके किसी गलती से दिवाली में भी कोई दोष हमसे हो जाए, हमसे कोई त्रुटि हो जाए, हमसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, कुछ गुनाह, कोई पाप हो जाए, तो भी गुरु घर में जाकर के धुल जाता है। लेकिन अगर गुरु घर में ही आपने कुछ कर दिया तो उसकी उत्पत्ति, उसकी निष्पत्ति कभी जीवन में कहीं उन्मूलन हो नहीं सकता है उसका। तो वहां से गुरु ऋण का जन्म होता है। बहुत सारे जन हैं जो अपने बनी बनाए अवधारणाओं के साथ गुरुओं को भी डील करते हैं। अब गुरु गोविंद, किसी भी बड़े से बड़े गुरुओं को आप उठा के देखें, जिस रसोइये को उनके ही सगे भाई ने रखवाया, धनंजय को, उसी रसोइये ने जहर दे दिया स्वामी निश्चिदानंद को, जिस देवदत्त को साथ लेकर चले कि चचेरा भाई है, वो पत्थर खिसका रहा है बुद्ध पर बैठे हुए पर, जिस व्यक्ति को रखा अपने खानसामे के रूप में, अपने अपने गार्ड के रूप में, उसी ने बताया जाकर के अफगानी पठानों को कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रह रहे हैं नांदेड़ में, और छुप करके उन पर वार करते हैं। तो उससे पहले भी जब चमकौर की लड़ाई है तो वहां से जितने जन साथ चले उनमें से आधे भाग के वापस चले गए। तो हम गुरुओं को भी उतने ही उसमें समझते हैं, एक सीमित मात्रा में हम समझ। अगर आप वास्तव में गुरु परंपरा के धनी हैं और गुरुता को स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके अंदर इतना साहस तो हो कि आप जिस गुरु के साथ आपका मन मंतव्य, आपका दिल आत्मा और विचारधारा का एक समागम हो रहा है, उसको आप स्वीकार तो करें। उसको भी हम स्वीकार कंडीशनल ढंग से करते हैं। उसको बीच चौराहे पर सीना ठोक कर हम नहीं कह सकते कि ही इज माई मास्टर, ये मेरा गुरु है, या ये इसको, इनको हम गुरु मानते हैं। उनमें मैंने देखा है कि वो अलग अलग ढंग से तरीके कर से इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। तो ये जो शुद्धता नहीं होती, ये शुद्धता भी हमें बहुत, क्योंकि चलिए गुरु, पहली बात तो गुरु को सब स्पष्ट नजर आता है। सरिता कृष्णा भी जुड़ी हैं, खुश रहिए, बहुत आशीष। पहली बात तो गुरु को सब आर पार दिखाई देता है। उसके बाद चलो 1% मैं मानूं कि उसने नहीं अपना दृष्टिकोण उधर विकसित किया, नहीं उसने उस बात को देखा, तो वो तो देख ही रहा है जो गुरुओं का गुरु है। वो तो उस मंतव्य को रीड कर ही रहा है कि क्या कह रहा है ये। मेरा अपना अनुभव है कि बहुत सारे जन, आप में से बहुत सारे बड़े अच्छे हृदय से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन बहुत सारे जन जो ऐसा कहते हुए आते हैं कि आप ही हमारे परमात्मा और आप ही सब कुछ, और बस ईश्वर भी कुछ नहीं और आप ही हमारे ईश्वर, मुझे तुरंत डर लगने लगता है, क्योंकि सबसे पहले जाने वाले लोगों में वही होते हैं। वो एक्चुअली इसलिए ये बात कहना चाह रहे हैं कि मेरी दृष्टि को, मेरे विचार को, मेरे मन को किसी और तरफ इंगित करना चाहते हैं। वो इंगित इसलिए करना चाहते हैं कि अपने किसी विशिष्ट प्रयोजन को मेरे द्वारा पूरा कराना चाहते हैं। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अब आपसे बात चल रही है तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं। वो सिर्फ इसलिए इतना महिमामंडन करने के उत्सुक हैं कि उनका विशेष दृष्टि अपने किसी विशिष्ट प्रयोजन पर टिकी है, और जैसे कुछ समय की दीर्घा में, कुछ समय के अंतराल में उनका विशिष्ट प्रयोजन, वो निहित स्वार्थ प्रतिपूरित नहीं होता, तो वो सबसे पहले गायब वही होते हैं, वो फिर दिखाई नहीं देते कभी। तो मैं कहता हूं कि अगर आपने एक इंसान ही माना होता, भगवान तो बहुत बड़ी बात है, इंसान माना होता है, गुरु ही माना होता अपना, तो आप हमेशा इस सब अभिनय की जरूरत नहीं थी। तो अभिनय हम करते किसी देर फॉर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए है। अब गुरु को तो सब समझ आता ही है, लेकिन हमें नहीं समझ आता, तो हम सोचते हैं कि मैं ऐसा कर ले। तो इस तरह की चीजों से भी कभी कभी गुरु ऋण उत्पन्न होने लगते हैं। यानी जहां आपको बहुत निश्चल हृदय से होना चाहिए था, वहां भी आप नहीं होते। सारे लोग नहीं, आप तो बहुत प्यारे और अच्छे जन हैं, लेकिन कभी कभी 2-4-5 जन ऐसे आ जाते हैं जो गुरुओं को भी चलाने के लिए आते हैं, और वो टेस्टिंग करेंगे, कुछ और करेंगे, बहुत सी चीजें करेंगे। कोई भी संबुद्ध सदगुरु, कोई एनलाइटेंड मास्टर कभी किसी
की किसी विचारधारा पर अपने आप को खरा साबित करने के लिए नहीं होता है, वो होता है बस होता है, वो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। इसके समझ आता आए, नहीं समझ आता नहीं आए, उसको इसके भी लेना देना नहीं होता, उसका पीछा ही नहीं करता। लेकिन बहुत सारे जन बहुत सी चीजों को लेकर चलते हैं, वो परमात्मा को ऐसे डील करते हैं कि ये हमने ये हनुमत ध्वजा लगा दी ना, ये 13 रुपए की खरीद के लाए हैं, अब ये 13 घंटे में हमारी लॉटरी निकल जानी चाहिए 50,000 रुपए की। तो 13 रुपए लगा करके 50,000 की लॉटरी, इतना तो परमात्मा को भी गणित थोड़ा आता ही होगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की लक्ष्मी का वरण करना चाहते हैं। तो दो एक बूंदी चढ़ाई 11 रुपए की और अरदास लगाई 1,00,000 रुपए की, तो 11 रुपए की 1,00,000 रुपए कहाँ बनते, स्मगलिंग में नहीं बनते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे राजनी में बन सकते हैं कि तवंचा रख के कनपट्टी पे और जेब में से निकाल लो वहां, तो मतलब शायद हो सकता होगा। तो परमात्मा को थोड़ा सा हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि ऐसे गुरुओं को भी ईश्वरों को भी आप बिल्कुल एक ऐसे कमांड में लेके चलते हैं कि बस ये गुरु मैंने धारण किए, 3 हफ्ते में अगर ये हो गया तो गुरुजी में बहुत दम, और नहीं हुआ तो गुरुजी में हो गया। अरे गुरुजी में दम है कि नहीं है तो गुरुजी से पूछो, या उससे पूछो जिसने गुरुजी को भेजा है, और उससे पूछो जिसने आपको भेजा है। लेकिन ये 3 हफ्ते का दम जो है ये आपका काम ही चूंकि 3 हफ्ते में होना है, अच्छा उनमें दम हुआ तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चूंकि आप में तो दम आ ही गया, आपकी जेब में तो दम पड़ गया, आप तो निकल लिए वैसे दम मारते हुए। और अगर दम नहीं हुआ तो भी आपके किसी काम के नहीं। तो ये जो हम इस तरह से सांकड़े बुनते हुए चलते हैं ना, ये बड़े अजीबोगरीब स्थिति आती है। और जब संग साथ रहने से बहुत तरह के भ्रम भी पैदा होते हैं। एक हाथी का बच्चा व्यस्क हुआ, उसके साथ मक्खी भी व्यस्क हुई, मक्खी भी बराबर में वही उसी की उम्र की थी, वो भी धीरे धीरे बढ़ उनमें दोनों में दोस्ती हो गई। वो गन्ना चूसता हाथी तो मक्खी पास में बैठ के रस चूसती रहती, दोनों अपना वो गाना सुनाती, हाथी बैठ के कान हिलाता, अपना अच्छा काम चल रहा था। एक दिन क्या, चलो दूर जंगल में घूम के आते हैं, तो वो चले गए, वो कान पर बैठती थी तो कान पर बैठकर अपना गाना सुना रही है, हाथी अपना मदमस्त चाल से चलता जा रहा। बीच में पुल पड़ता है लकड़ी का, अब लकड़ी के पुल पर जैसे ही हाथी चढ़ता है तो चू 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 की आवाज आती, पुल चूकी लकड़ी है, थोड़ा पुराना जर्जर पुल है, तो मक्खी कहती हाथी भैया सुनो, अगर वजन ज्यादा पड़ रहा है तो मैं उतर जाऊं मैं उतर जाऊं। तो बहुत सारे शिष्यों को ये भाव होने लगता है कि वो चूचू पुल जो है उनकी वजह से बोल रहा है और वो फिर सोचते हैं उतर जाएं, और वो उतर जाते तो बाद में समझ आता है उतर गए वो बीच धार में, वो नाले का पुल था, अब नाले में उतर गए तो पता नहीं कहाँ पहुंचे, पहले तो वहीं बेहोश हो गए उसमें उतरते ही, जिस गंदगी में उतरे वहां की उस खुशबू ने उनको वहीं चित कर दिया, तो उन्हें बाद में जब झांक के देखा तब तक वो हाथी आगे जा चुका था। आर्याम अभयाम बायाम बजे रे रे चित सन ततम Yeah.